Assalamu alaikum, ye hai introduction to psychology part 1 PSY312 terror knowledge ki taraf se pichli jo videos thi uske andar humne chapter 4 start kiya tha sensation jo kafi acha khasa detailed chapter hone wala hai hamara aur iske andar humne lesson 1 start kiya tha jo ki hai characteristics and major functions of different sensations to pichli jo humne video start ki thi uske andar humne part 1 ko bada detail mein discuss kiya tha aur uske andar humne ye jana tha ki sensation basically hai kya cheez aur sensation ke andar jo hai वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं और मतलब बेसिकली हमने एक सेंसेशन का एक इंट्रो पार्ट जो है हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंसरी लिमिट्स यानी कि हाउ स्ट्रॉन्ग मैसेज मस्ट बी एक मैसेज को कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उसको डिटेक्ट कर सकें ये हम सेंसरी लिमिट्स में डिस्कस करेंगे उसके बाद सेंसरी लिमिट्स में ही हम डिस्कस करेंगे सेंसरी थ्रेशहोल्ड और सेंसरी थ्रेशहोल्ड के जो दो काइंड्स हैं एक एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड है और एक डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड्स है तो इसको हम डिस्कस करेंगे फिर एंड में हम वेबर्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि वेबर्स लॉ ने एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड और सॉरी एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड इसके डिस्कस करने के बाद वेबर्स लॉ डिस्कस करेंगे और फिर हम ये उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या कहना है थ्रेशहोल्ड्स के बारे में और डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं सेंसरी लिमिट्स यानी कि हाउ स्ट्रॉन्ग मैसेज मस्ट बी एक मैसेज को कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उसको डिटेक्ट कर सकें तो एक मैसेज को जिस तरह हमारी बॉडी की एक स्पेशलाइजेशन है एक एबिलिटी है कि हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमारे जो सेंसेस हैं उनकी एक लिमिट है यानी कि हमारे पास इतनी इन्फिनिट कैपेसिटी नहीं है कि हम सारी स्टिमुलस को या सारे लेवल की एनर्जी को जो है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं जिस तरह की पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि कुछ इस तरह स्टिमुलस होते हैं या जिसको हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे होते जिस तरह मैंने बहुत जनरल सी एक एग्जांपल दी जिस तरह बॉडी पे जर्म्स फिर रहे हो हम उसको नहीं डिटेक्ट कर पा रहे होते तो उसको हम कहते हैं कि ये जो हमारी डिटेक्शन लेवल है उसके बिलो है और उस डिटेक्शन लेवल को हम थ्रेशहोल्ड कहते हैं ठीक है उस से बिलो है तो हम कहते हैं कि ये सबलिमिनल स्टिमुलाई है और ये बिलो कॉन्शियसनेस है और उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा सकते तो हमारी जो बॉडी है हमारी इतनी हमारी भी एक लिमिट है एक सेंसरी लिमिट है जिसके ज़रिए जो है हम एक एनर्जी को पर्टिकुलर लेवल पे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं सो वी डू नॉट हैव एन इन्फिनिट कैपेसिटी टू डिटेक्ट ऑल लेवल ऑफ स्टिमुलस के हम एनर्जी के हर एक लेवल को जो है उसको डिटेक्ट कर सकें एक जो है लिमिट है नाउ ये एक आपके लिए फ़ायदेमंद भी है कि आप एक लिमिट तक या एक लेवल ऑफ एनर्जी जो है आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो एक सेंस या एक स्टिमुलाई जो डिटेक्ट करना हो तो टू बी सेंस्ड अगर आप उसको सेंस करना चाह रहे हैं तो एक स्टिमुलस को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं यानी कि इतना लाउड होना चाहिए कि आप उसको सुन सकें कम अज़ कम इतना लाउड हो कि आप उसको सुन सकें इतना कंसंट्रेटेड हो कि आप उसको स्मेल कर सकें या इतना ब्राइट हो कि आप उसको देख सकें यानी कि आपके सेंसेस जो हैं जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जो अपने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे यानी कि वो सारे जो हैं कोई भी स्टिमुलाई है उसकी लेवल ऑफ एनर्जी इतनी हो कि आप उसको सेंस कर सकें या आप उसको डिटेक्ट कर सकें तो द पॉइंट एट विच स्टिमुलस इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी डिटेक्टेड बाय एक्टिवेटिंग ए सेंसरी रिसेप्टर्स कॉल्ड अ थ्रेशहोल्ड यहाँ पर आपके पास थ्रेशहोल्ड की एक डेफिनेशन आ जाती है कि थ्रेशहोल्ड बेसिकली होता है क्या जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक लेवल है जिसके अबव अगर आप एक चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं तो आप उसको सेंस कर सकते हैं लेकिन उस लेवल से नीचे हो जाए तो उसको फिर हम सबलिमिनल कहते हैं यानी कि ये बिलो कॉन्शियसनेस है हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो थ्रेशहोल्ड बेसिकली होता क्या है ये वो पॉइंट है जिस पे आप एक स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं यानी कि जिस पे स्टिमुलस जो है वो आपकी बॉडी के सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं तो ये
वो पॉइंट है या वो लेवल ऑफ एनर्जी है जिसमें स्टिमुलस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको पता चल जाए कि आपने एक स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है। तो अगर आप सेंसरी ऑर्गन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स को नहीं जानते तो उसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। इन केस इफ़ आई फॉरगेट तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में याद दिलवा दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन अपडेट करवा दूँगी। तो द टर्म थ्रेश होल्ड रेफर्स टू द लोअर लिमन ऑफ एक्सपीरियंस। थ्रेश होल्ड जो है, अगेन जैसे मैंने कहा, एक लेवल होती है जिस पे आप एक चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो थ्रेश होल्ड जो है वो बिल्कुल मिनिमम और एक लोअर लिमिट है, एक लोअर लिमन है कि जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम से मिनिमम पॉइंट जिस पे आप एक चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं, वो मिनिमम से मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी जो है उसको हम वो उसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है थ्रेश होल्ड का। तो बेसिकली देर आर टू काइंड्स ऑफ सेंसरी थ्रेश होल्ड। इसके जनरल दो काइंड्स हैं सेंसरी थ्रेश होल्ड के, हर एक सेंस के लिए दो काइंड्स हैं। एक है एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड और एक है डिफरेंशियल थ्रेश होल्ड। यानी कि आपकी जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं, आपका जो आप जो सेंस करते हैं वो बेसिकली उसके जनरल दो काइंड्स हैं। एक एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड है और एक डिफरेंशियल थ्रेश होल्ड है, जिसको हम बड़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड से। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। दो डेफिनेशन है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टिमुलस दैट कैन बी डिटेक्टेड हाफ द टाइम। यानी कि वो जो स्मॉलेस्ट, सबसे लोवेस्ट, सबसे मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी है जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड कहते हैं। कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टिमुलस दैट कैन बी डिटेक्टेड हाफ द टाइम। और दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टिमुलस दैट कैन बी डिटेक्टेड हाफ द टाइम। तो सेकेंड में फिर मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ हुआ है, और जब लव्स मैग्नीट्यूड यूज़ होता है तो समझ आया करे कि यहाँ पर बात वैल्यू की जा रही है। कि मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ये के वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं हाफ़ द टाइम, तो उसको हम एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड कहते हैं। यानी कि आपने अभी अभी उसको डिटेक्ट किया है, अभी अभी आपने उसको फील किया है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड। तो अब इसको जो एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड है उसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, जिसको हम हाफ़ द टाइम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको हाफ़ द टाइम क्यों कहते हैं? हाफ़ द टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन है जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ट्रायल टू ट्रायल वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अगेन मैं एक वॉल्यूम की बात करूँ कि वॉल्यूम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीवी का वॉल्यूम चेंज करूँ और मैं आपको कहूँ कि ये वॉल्यूम जो है आपने डिटेक्ट करना है कि 0 से लेकर 10% तक वॉल्यूम है टोटल, और आप किस नंबर पे इस वॉल्यूम को जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना मैग्नीट्यूड कवर जहाँ पर भी आता है तो मतलब वैल्यू की बात की जा रही है। तो मतलब मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ या स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ कि वो कौन सा नंबर होगा जिस पे आप इस टीवी के वॉल्यूम या इस टीवी की आवाज़ जो है वो आप सुन लेंगे। तो जो पॉइंट होगा आपने मुझे वो बताना है। तो मैं 0 से वॉल्यूम टेस्ट कर रही हूँ, 1 पे जा रही हूँ, 2 पे जा रही हूँ, 3 पे जा रही हूँ। अब ऐसा एक पॉइंट आता है कि आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लग जाती है टीवी की, तो आप कहते हो हाँ मुझे अब इस टीवी की जो है आवाज़ आने लग गई है। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए वो नंबर जो था वो 3 है, कि मतलब मैंने 3 नंबर वॉल्यूम पे थोड़ा लाउड किया टीवी की आवाज़ को तो आपको सुनाई दिया। अब इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लाजमी नहीं है कि हर किसी को जो है इसी 3 नंबर पर सुनाई देगा। कुछ लोग इस तरह हो सकते हैं कि उनको 2 पॉइंट या 2 नंबर पे या 2% वॉल्यूम पे उनको सुनाई दे। कुछ लोग इस तरह हो सकते हैं कि उनको 5% वॉल्यूम पे सुनाई दे। नाउ इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल की बात इसलिए की गई है क्योंकि अक्सर ये होता है कि ट्रायल टू ट्रायल जो है बंदा यूज्ड टू हो जाता है और एक हैबिचुएशन आ जाती है या वो अगेन यूज़ टू हो जाते थे। दैट इज़ वाई इसको 50% ऑफ द टाइम कहा गया है, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन है, बिल्कुल मिनिमम लेवल, और इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन वेरिएबिलिटी, रिसर्चेज जो हैं
have arbitrarily set the limit as minimum level of stimulation that can be detected the half the time. So isi wajah se isi differences ki wajah se isi human variability ki wajah se jo researchers hain usne phir jo absolute threshold ya differential threshold jo hai iski jo minimum level rakhi hai usko half the time rakhi hai, yani ki 50% chances ya half the time chances jo hain wo hai ki ye banda jo hai is cheez ko detect kar lega ya detect nahi karega. Now kuch ideal conditions is tarah hote hain jo ki kafi rarely occur होते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में कि हमारे जो सेंसरी एबिलिटीज़ हैं कभी कभी ये हमारी सोच से ज़्यादा भी सेंसिटिव होते हैं. जिस तरह की ये एक टेबल है जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके अंदर आप अपने सेंस ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी को देख सकते हैं और ये काफ़ी आइडियल कंडीशंस में इस तरह होता है. कभी कभी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक स्टिमुलस की तरफ सेंसिटिव हो जाते हैं और जो हमारा जो एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है उस सेंसिटिविटी जो है हमारी सेंसेस की वो शो कर रहे हैं. तो बेसिकली ये एक एग्जांपल की लिस्ट है, ये एक टेबल है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ने प्रोवाइड की थी जिसका नाम है यूजिन गैलेंटर. 1962 में उन्होंने ये पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड की और इन ईच केस पीपल आर एबल टू सेंस दीज फेंट स्टिमुलाई एट लीस्ट हाफ द टाइम. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विजन की बात की जाए, आपके जो सेंस ऑर्गन है, जो आपका विजन है, जो आप आँखों से एक चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उसका एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड क्या हो सकता है, यानी कि कम अज़ कम वो कौन सा मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी है जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं. तो विजन की फिर इन लोगों ने, ये जो एक साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने एग्जाम्पल दी थी एक कैंडल की कि 30 miles अवे बिल्कुल क्लियर डार्क नाइट है, बिल्कुल क्लियर है और डार्क अंधेरा है, ठीक है, और 30 miles अवे एक मोमबत्ती जल रही है तो आपको वो नज़र आ जाएगी, आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे. दैट इज़ द मिनिमम लेवल जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं हाफ़ द टाइम. और अगर सेंस ऑफ हियरिंग की बात की जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे एक घड़ी और वो 20 feet दूर है, आप उसकी टिक टिक को सुन सकते हैं, आप उस वॉच उस घड़ी की टिक टिक को आप सुन सकते हैं इफ़ इट इज़ 20 feet अवे फ्रॉम यू. एंड दिस इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड. अगेन जिससे मैं कहती हूँ इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. तो हाफ़ द टाइम जो है ये डिटेक्शन हो सकती है. टेस्ट की बात की जाए तो अगर मैं टू गैलन ऑफ वाटर जो है उसके अंदर मैं 1 teaspoon शुगर डाल दूँ इन 2 gallons ऑफ वाटर तो उसको जो है हाफ द टाइम आप डिटेक्ट कर सकते हैं. एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड की एक एग्जांपल थ्रेशहोल्ड जो है उसकी एक एग्जांपल है. स्मेल की बात की जाए तो 3-room अपार्टमेंट में अगर मैं 1 drop ऑफ परफ्यूम जो है वो स्प्रे कर दूँ तो उसको भी मिनिमम लेवल जो है 50% ऑफ चांसेस या हाफ द टाइम चांसेस है कि एक शख्स जो है या एक बंदा जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है. टच की बात की जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बी है, उसका एक बी इज़ विंग फॉलिंग ऑन योर चीक फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट हाफ इंच, बिल्कुल हाफ इंच से एक मक्खी के पंख को आपकी चीक पे अगर वो गिर जाए तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड के मतलब बिल्कुल वो जो एक सेंसिटिविटी शो की जा रही है आपके सेंस ऑर्गन की तो उसकी बिल्कुल वो एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल जो है उसकी एक एग्जांपल जो है साइकोलॉजिस्ट यूजिन गैलेंटर ने दी थी. एंड अगेन जिससे मैंने कहा कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड, जो सेकेंड काइंड है सेंसरी थ्रेशहोल्ड की, डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड. तो स्टार्ट करते हैं, इसकी भी मैंने 2 definitions यहाँ पर इंक्लूड की. द फर्स्ट वन इज़ अ बिट लॉन्गर. द फर्स्ट डेफिनेशन इसकी है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन 2 stimuli दैट कैन बी डिटेक्टेड हाफ द टाइम एंड ऑल्सो कॉल्ड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस JND, यानी कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है 2 stimuli के बीच में जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं हाफ द टाइम और इसको जस्ट नॉरिसिबल डिफरेंस भी कहते हैं और शॉर्टकट में अगर इसको लिखा जाए तो JND एज एन एब्रिवेशन लोग इसको लिखते हैं शॉर्ट में. सेकंड डेफिनेशन इसकी है कि द स्मॉलेस्ट डिफरेंसेस
Yeah, the smallest difference between two stimuli that can be detected half the time. यानी कि दो स्टिमुलाई में जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ डिफरेंस जो आप डिटेक्ट करते हैं उसको या हाफ द टाइम आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड कहते हैं. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यानी कि एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड तो ये था कि आपने बिल्कुल वो जो मिनिमम लेवल था जिस पे आपने अभी अभी एक स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है तो उसको हम एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड कहते हैं. डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड ये है कि वो बिल्कुल मिनिमम लेवल जिस पे आपने एक स्टिमुलस में डिफरेंस नोट किया उसको एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड कहते हैं. यानी क्या, अगेन मैं वो टीवी की वॉल्यूम की बात कर लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि 0 से लेकर 10 तक उसकी कंप्लीट एक वॉल्यूम लेवल है. और मैं आपको कहूँ कि इसको डिटेक्ट करें और आपने जो है उसको 3 नंबर पे आपने उसको डिटेक्ट किया, ठीक है. अब मैं कहती हूँ कि मुझे बताना है मैं वॉल्यूम तेज़ करूँगी या कम करूँगी, लेकिन आपने मुझे वो पॉइंट बताना है जिस पे आपको लगता है कि हाँ वॉल्यूम में चेंज आया है, वॉल्यूम तेज़ हुआ है या वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है. अब आप जो है वो टीवी की आवाज़ सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर वॉल्यूम जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही हूँ, मैं 4 पे वॉल्यूम ला रही हूँ, आपको अभी तक कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा, आपको लग रहा है कि हाँ बस वही वॉल्यूम है. मैं 5 पे वॉल्यूम ला रही हूँ और आपको लगता है कि हाँ वही वॉल्यूम है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया. मैं 6 पे लाती हूँ, आप कहते हो हाँ मुझे लगता है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है. तो यहाँ पर आपने बिल्कुल वो जो एक पॉइंट था जब आपको लगा कि हाँ डिफरेंस है, अभी थोड़ा सा डिफरेंस जो है दो स्टिमुलस के बीच में आपको फील हुआ है, दैट इज़ द डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड जो आपको हाफ द टाइम आपने डिटेक्ट किया. आपने उस स्टिमुलस में डिफरेंस जो है आपने वो डिटेक्ट किए हाफ द टाइम का. तो मैंने आपको बता दिया था कि हाफ द टाइम इसलिए क्योंकि एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन है जिसको दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. तो डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड जो है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है दो स्टिमुलाई के बीच में, जिस तरह मैंने वॉल्यूम की एग्जांपल दे दी. और इसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है हाफ़ द टाइम, मतलब कि इट कैन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. पर्सन टू पर्सन इसलिए कि कुछ लोगों को शायद 6 पे डिफरेंस ना फील हो, कुछ लोगों को 4 पे ही डिफरेंस फील हो जाए, कुछ लोगों को 5 पे डिफरेंस फील हो जाए. नाउ इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और ट्रायल टू ट्रायल यानी कि बार बार अगर मैं आपसे ट्रायल ले रही हूँ, एक ही बंदे से बार बार ट्रायल ले रही हूँ, तो शायद मे भी हो सकता है कि वो यूज़ टू हो जाए, वो थोड़ा ट्रेंड हो जाए, उसको पता चल जाए कि हाँ इस नंबर पे या इतने टाइम बाद जो है वॉल्यूम चेंज हो जाता है. नाउ देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन प्ले रोल इन ट्रायल्स. डिफरेंट थ्रेशहोल्ड के लिए एक दूसरा टर्म यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं जस्ट नॉटिसेबल डिफरेंस, जिसकी एब्रिवेशन है JND. यानी अगर आपने इसको शॉर्टकट में लिखना है तो आप इसको JND लिख सकते हैं. और अगर आप इसने आपको इसने या आपने इसको जो है थोड़ा प्रॉपर वर्डिंग्स में लिखना है तो आप जस्ट नॉटिसेबल डिफरेंस लिख सकते हैं. तो अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है वेबर्स लॉ. वेबर्स लॉ की दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है कि द जस्ट नॉटिसेबल डिफरेंस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स रिलेशन टू ओरिजिनल स्टिमुलस एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड वेबर्स लॉ. यानी कि वेबर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो जस्ट नॉटिसेबल डिफरेंस है यानी कि जो डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल स्टिमुलस के रिलेशन पे. इट डिपेंड्स ऑन इट्स रिलेशन टू द ओरिजिनल स्टिमुलस और इस प्रिंसिपल ऑफ सेंसेशन को वेबर्स लॉ कहते हैं. दूसरी डेफिनेशन है कि अ प्रिंसिपल ऑफ सेंसेशन दैट होल्ड्स एज द साइज ऑफ JND विल वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स रिलेशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस. यानी कि एक प्रिंसिपल ऑफ सेंसेशन है जिसके अकॉर्डिंग JND यानी कि जस्ट नॉटिसेबल डिफरेंस का साइज डिपेंड करता है ओरिजिनल स्टिमुलस के स्ट्रेंथ के ऊपर. यानी कि ओरिजिनल स्टिमुलस का स्ट्रेंथ जो है वो कितना है उसके रिलेशन पर डिपेंड करता है जो डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड है या जो JND है वो इसी पर डिपेंड करता है. तो अकॉर्डिंग टू वेबर्स लॉ जो है उन्होंने डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड के बारे में ये बताया था. तो वेबर्स लॉ होल्ड्स दैट फॉर ईच सेंस द साइज ऑफ JND इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द साइज ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस. और
यानी कि हर एक सेंस के लिए जो जस्ट नॉटिसेबल डिफरेंस का साइज़ है वो एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है टू द इनिशियल टू द साइज़ ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस एंड डिटेक्टिंग अ चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस, यानी कि ओरिजिनल स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं आप ओरिजिनल स्टिमुलस के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, उसके अंदर जो डिफरेंस आप शो कर रहे हैं और उसको दूसरा बंदा जो डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं, वो ओरिजिनल स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं. तो डिटेक्टिंग अ चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, एक स्टिमुलस की स्ट्रेंथ में आप चेंज जो डिटेक्ट कर रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस, ओरिजिनल स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं. तो इसमें बात यही ओरिजिनल स्टिमुलस की रिलेशन पे बात की है कि आप ओरिजिनल स्टिमुलस में छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें आप डिफरेंस शो कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ उसकी इंटेंसिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उससे जो है ओरिजिनल स्टिमुलस जो बंदा जो है अगर एक स्टिमुलस में चेंज को डिटेक्ट कर रहा होता है तो दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड अगर एग्जांपल दे दूँ तो पेबल्स की एग्जांपल देती हूँ, यानी कि कंकरियाँ या छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो ओरिजिनल स्टिमुलस हैं. अब मैं आपके एक बंदा है और उसके हाथ में मैं एक कंकर रख देती हूँ, एक छोटा सा पत्थर रख देती हूँ और उसको मैं कहती हूँ कि इसको डिटेक्ट कर. उसने डिटेक्ट किया क्योंकि मेरे हाथ पे जो है वो किसी ने छोटा सा पत्थर रखा है, तो ये वो पॉइंट है जिस पे उसने डिटेक्ट किया है और उसको मैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहूँगी. अब मैं उसी पत्थर के ऊपर दूसरा छोटा सा पत्थर रख लेती हूँ और उसको फील नहीं होता कि दूसरा छोटा सा पत्थर किसी ने रखा है क्योंकि उसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर अब वो डिफरेंस इतना नहीं नोट करा. अब मैं तीसरा पत्थर उसके हाथ पर रखती हूँ, यानी कि डिपेंड्स कि मैं कितने कंकर उसके हाथ पर रखती हूँ और कहाँ पर उसको फील होता है चेंज कि हाँ मेरे हाथ पे किसी ने कहीं जो है एक्स्ट्रा वेट रख दिया है, तो यहाँ पर अब उसको थोड़ा सा डिफरेंस शो हो गया है वेट में, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड कहते हैं. तो इफ़ यू आर होल्डिंग अ पेपल जो कि हमारे पास ओरिजिनल स्टिमुलस है, यू प्रोबेबली वॉन्ट डिटेक्ट एन इंक्रीज इन स्टिमुलस विद द सेम पेपल इज बैलेंस्ड ऑन इट. उसी तरह का सेम दूसरा कंकर जो है वो मैं उसके ऊपर रख देती हूँ, आप उसके ऊपर डिटेक्ट नहीं, उसके अंदर चेंज जो है वो आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते, और एक पॉइंट इस तरह आता है जब आप चेंज डिटेक्ट कर लेते हैं. तो वेबर्स ला ये कह रहे हैं कि जो चेंज आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं ये उस ओरिजिनल स्टिमुलस की वजह से ही कर रहे होते हैं, उस ओरिजिनल स्टिमुलस में चेंज की वजह से कर रहे होते हैं, यानी कि ओरिजिनल स्टिमुलस में चेंज आता है तो उसकी वजह से ही आप चेंज को डिटेक्ट कर पा रहे होते हैं. तो यही वेबर्स ला कहना चाह रहे हैं. तो इससे आप वो टीवी के वॉल्यूम की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और आप इस पेबल की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. तो पेपर्स ला कहते हैं कि और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेशन इज़ रिलेटिव, हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेशन यानी कि साइकोलॉजिकल हम इसको किस तरह सेंस करें एंड देयर इज़ नो सिंपल वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल स्टिमुलस एंड और फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ इट. जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेबल की एग्ज़ाम्पल दे दी और इसके अलावा जो मैंने टीवी के वॉल्यूम की एग्ज़ाम्पल दे दी, तो वेबर्स ला कहते हैं कि ये कोई वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है और ना ही ये कोई ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल स्टिमुलस और हमारे जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है इसके बारे में. अगर मैं दोबारा इसको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँ तो इट varies from person to person and from trial to trial. और इसके अंदर हमारी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी आ सकती है और इसके अंदर हमारे जो है बाकी भी काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं, और हाफ द टाइम जो है डिटेक्शन अकर होती है, चाहे वो एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड वाली हो या वो डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड वाली हो. तो ये थी आज की वीडियो. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप लाइक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफाइड रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी एकदम से आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. इसके अलावा वीडियो के लिंक्स, चैनल के लिंक्स को आप अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.